मौसी आई। उषा मौसी अब कहाँ रह गई थी? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी। और सब लोग सो गए क्या? नहीं, बल्कि आज तो आंखें खुली हैं। धोखा खाकर गिरने वाले को नींद कहाँ आती है? विराट सर वो मैं वहीं रुक जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन विराट सर मेरी बात तो सुनिए। कुछ सुनना या समझना नहीं मुझे, चुपचाप यहां से चली जाओ। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोग रह सकते, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं। अरे धोखेबाज से याद आया, कहां गया वो तेरा पुलकित सर? निकाल दिया क्या उसने तुझे? हाँ, जो यहां चली आई। अरे वही नहीं, इसको तो भगा ही दिया होगा, उसका मकसद जो पूरा हो गया। इस कम अकल लड़की का इस्तेमाल करके हमारी दिव्यानी से तो शादी कर ही ली उसने, भला इसकी क्या जरूरत है उससे, है ना? सही, ऐसे ही हुआ है ना? काकू, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, पहले मुझे अंदर आने दीजिए। यहाँ बहुत शोर है और पड़ोसी जाग जाएंगे। और आप तो जानती है ना, मैं जब जवाब देती हूँ तो खुल के जवाब देती हूँ, और कहीं ऐसा ना हो मेरे जवाब आप लोगों के लिए जहर के घूंट बन जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कौन सुन रहा है या कौन नहीं, और हमें तुमसे कोई सवाल नहीं करना और ना ही तुम्हारे कड़वे जहर जैसे जवाब सुनने, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी का अंत लिख चुका हूं, और अंत यह है कि अब तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब सबको पता चलेगा कि इतनी रात को आपने अपनी बीवी को घर में नहीं घुसने दिया, तब इस घर की इज्जत पे नहीं आएगी? चल जाने तो पता, आ जाने तो इज्जत पर बात, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और अगर जरूरत पड़ी ना, समझा दूंगा लोगों को क्यों इतनी रात गए अपनी पत्नी को उसी के घर में घुसने नहीं दे रहा हूं मैं। वहां शादी के मंडप में इतना बड़ा तमाशा करने के बाद, इतने सारे लोगों के सामने परिवार के खिलाफ खड़ा होने के बाद, और उस पुलकित के भाड़े के बारातियों के साथ मिलकर तूने जो कुछ किया है, उसके बाद इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दादा, या तो ये लड़की बहुत बड़ी बेशर्म है या फिर ना समझ, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद जब देवी घर पे आएंगी तो सब लोग फूल मालाओं के साथ महारानी जी का स्वागत करेंगे कि आइए। क्यों सही, क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? घर में किसी को बिना बताए तुम देवयानी को क्यों भगा कर लेके गई? क्यों तुमने करा दी शादी पुलकित के साथ उसकी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा घर तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। आई, मैंने जो किया उसके लिए भले ही पूरा घर क्या पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अफसोस तब होता है जब हम कुछ गलत करते हैं। और मेरा दिल जानता है कि मैंने जो किया है वो ठीक है, इसीलिए मुझे किसी भी बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। अरे अफसोस तो मुझे है, तुम पर भरोसा की, तुम पर। तुमने हर बार अपनी हद पार की और हर बार मैं तुम्हारे लिए लड़ गया हूं सबसे, मौके पे मौके दिए तुम्हें मैंने, लेकिन अब नहीं, बस बस हो गया। अब तुम्हें मौका तो क्या, एक घर की दहलीज भी पार करने नहीं दूंगा मैं, निकल जाऊं यहां से हमेशा हमेशा के लिए।
सिर्फ पुलकित ने धोखा नहीं दिया है, तुमने भी इस परिवार को धोखा दिया है। मुझे धोखा दिया है। कोई अनजान धोखा देना तो सबक मिलता है, लेकिन जब कोई अपना, कोई करीबी जब धोखा देता है ना, तो जिंदगी भर का दर्द मिलता है। बस आप मेरा यकीन करिए विराट सर, ना मैंने आपको धोखा दिया है और ना ही पुलकित सर ने। पुलकित सर कोई फ्रॉड नहीं है। 100% फ्रॉड है, और ये बात ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैं साबित कर चुका हूं तुम्हें। लेकिन तुमने उसे पहले ही मिलकर सब कुछ बता दिया, सब कुछ। इसीलिए उसने ताई का वो गलत डॉक्यूमेंट, झूठा डॉक्यूमेंट बनवा लिया था, तुम्हारे साथ मिलकर प्लानिंग कर ली। सब जानता हूं मैं, और सबके सामने ऐसे नाटक कर रहा था, ऐसे पेश आ रहा था जैसे सच्चाई की आखिरी मूरत तो वही है। वो कोई नाटक नहीं कर रहे थे, पुलकित सर सच्चे हैं। जानता हूं मैं कौन कैसा है, किसने क्या किया है, सब जानता हूं मैं, सब जान गया हूं मैं। तुमने मेरे पीठ पीछे उसके साथ प्लान बनाया था। कुछ नहीं जानते हैं आप, मैं आपको बताती हूं कि आपके पीठ पीछे किसने क्या प्लान बनाया है। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद विराट पहले जैसे रह पाएगा? तुम उसे उसके परिवार से दूर करना चाहती हो? मुझसे वादा करो सही, मेरी किडनैपिंग के बारे में विराट से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम है। क्या हुआ, चुप क्यों, बोलो ना। नहीं है ना कोई जवाब? कुछ होगा बताने को तो बताएगी ना ये। विराट तू इसकी बातों में मत आ, अपना फैसला सुना। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं काकू, आज के बाद सई जोशी जवान निवास में नहीं रहेगी। और हां, अपने साथ साथ इन्हें भी लेकर जाऊं, वहीं जहां से तुम आई हो। विराट, विराट, एक बार आई, आज नहीं प्लीज। तो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम घर में थी ही कब? हर बार तुमने घर छोड़ने की बात की, और हर बार मैंने तुम्हें रोका है। तुम्हारी बाकी की इच्छाएं पूरी करते करते तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर दी मैंने, जाओ। आज मैं खुद कह रहा हूं तुमसे, जाओ, घर छोड़कर जाओ, जाओ। दामाद जी, गुस्से में लिए हुए फैसले अक्सर जिंदगी भर पछतावा दे जाते हैं। उषा मौसी प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, ये विराट सर और मेरे बीच की बात है। तुम सच में इसकी बात पर भरोसा करते हो विराट? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सही है घर छोड़कर जाना चाहती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो सब इसका एक नाटक था। वो सब ये सिर्फ तुम्हारी सहानुभूति और अटेंशन पाने के तरीके थे, फिजूल की धमकियां थी वो सब। सवान निवास के ऐशोआराम में रहने के बाद भला ये वापस अपने गांव गढ़चिरौली क्यों जाना चाहेगी? और अब तक तो इसे ये भी पता चल गया होगा कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ दिमाग या पढ़ाई नहीं,
पैसा भी लगता है और वो पैसा तुम इसे दे रहे हो, तो फिर ये इस घर से दूर, तुमसे दूर जाकर अपने सपनों को हरगिज खतरे में नहीं डालने वाली। मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ विराट, कि सही ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बाकी दीदी, शायद आपने सुना नहीं मैंने उषा मौसी से क्या कहा, कि वो विराट सर और मेरे बीच में नहीं बोली। वो इसीलिए क्योंकि एक पति और पत्नी के बीच की बात है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तीसरा मेरे और मेरे पति के बीच में बोली। चलिए, अब आपने बोल ही दिया है तो मैं जवाब भी दे ही देती हूं, या फिर मेरा जवाब भी आप मेरे मन में पढ़ ही लेंगी। नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातों से लगता है कि आप मेरे मन की बात पढ़ लेती है। तो बताइए ना, मैं अभी क्या सोच रही हूं। सोच रही हूं अभी मैं, मुझे क्या पता। तो फिर जब आपको पता ही नहीं है तो आप सब कुछ जानने का नाटक कर ही क्यों रही हैं? किसी को नफरत की नजरों से देखेंगी ना पाखी दीदी, तो सामने वाले में दुनिया भर की बुराइयां ही नजर आएंगी। लेकिन आपका नजरिया सामने वाले की सच्चाई नहीं बन जाता पाखी दीदी। तुम जैसी लड़कियों की तो सिर्फ एक ही सच्चाई होती है, सही खुदगर्ज होती है तुम जैसी लड़कियां।